प्यारे दोस्तों, इस बार की ईद को सबके साथ ही यादगार बनाइए। लजीज व जायकेदार सेवई और सूत फैनी घर ले जाइए। रमजान की सहरी और इफ्तार में खाएं, खुद भी खाएं और अपने दोस्त यारों व रिश्तेदारों को भी खिलाएं। जी हाँ, अब आपको झांसी जाने की जरूरत नहीं। सूत फैनी व बनारसी सेवई अब आपके नगर बबीना में भी झांसी रेट से भी कम दामों पर उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए, स्टॉक सीमित है। हमारा पता, जायकेदार ऑमलेट वाला, लक्की स्वीट के सामने, मेन रोड बबीना कैंट। कॉन्टैक्ट प्रोप्राइटर मोहम्मद शफीक 7651992958 7007487798। रमजानुल मुबारक के 26वें रोजे व 27वीं सब पर बबीना की मस्जिदों में रौनक देखने को मिली। मस्जिदों में ईशा की नमाज के बाद होने वाली तरावी की नमाज में पढ़े जाने वाले कुरान का समापन हुआ। इस दौरान रात भर लोग इबादत में व्यस्त रहे। इस्लाम में ऐसा माना गया है कि शबे कद्र पर अल्लाह ताला से मांगी गई हर दुआ पूरी होती है। आपको बताते चलें कि बबीना मेन रोड पर स्थित जामा मस्जिद में पहले ही रमजान से हाफिज मौलाना फरहान साहब, जो कि मस्जिद के पेश इमाम भी हैं और हाफिज कुरान भी हैं, तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे। शनिवार को रमजानुल मुबारक के 26वें रोजे तथा 27वीं शब पर यहां कुरान पाक का समापन संपन्न हुआ। इस मौके पर जामा मस्जिद बबीना के सदर यूसुफ राइन के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों और मस्जिद के जिम्मेदार लोगों द्वारा हाफिज फरहान साहब को बतौर नजराना कुछ धनराशि तथा उपहार भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। बाद में देर रात तक मौलाना फरहान साहब ने अपनी तकरीर के दौरान मुस्लिम बंधुओं को रमजानुल मुबारक के महीने की फजीलत तथा कुरान पाक की फजीलत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं बबीना कस्बे के बीजासैन मोहल्ला में स्थित हजरत बिलाल मस्जिद में हाफिज़े कुरान मौलाना रियाजुल इस्लाम द्वारा पहले रमजान से ही तरावी की नमाज अता कराई गई थी। शनिवार को 26वें रोज़े और 27वीं शब पर यहां पर भी शबे कद्र पर कुरान का समापन किया गया। आपको बता दें कि यहां मस्जिद के सदर अशफाक कुरैशी के नेतृत्व में हाजी नब्बी राइन द्वारा मस्जिद कमेटी के तत्वावधान में मौलाना रियाजुल इस्लाम को नजराना अकीदत के रूप में कुछ धनराशि और उपहार भेंट किए गए। बाद में सभी नमाजियों ने मौलाना का इस्तकबाल करते हुए मुसाफा किया। इस दौरान पहले रमजान से लेकर अब तक मस्जिद में होने वाली रोजा इफ्तार पार्टी के खाने को बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए मोहसिन उर्फ मोनू कुरैशी को भी साफा बांधकर सम्मानित किया गया। आपको यह भी बता दें कि हजरत बिलाल मस्जिद की नौजवान कमेटी में शामिल असलम कुरैशी, रिजवान कुरैशी उर्फ खली, सवालहीन कुरैशी, मोनू उर्फ मोहसिन कुरैशी, नदीम कुरैशी, खालिद सैफी, अल्ताफ कुरैशी, सोहेल कुरैशी, मोहम्मद तारिक उर्फ छोटू, मोहम्मद फैजान उर्फ लालू, जुनेद राइन, हाफिज निहाल अली आदि ने मस्जिद की समस्त व्यवस्थाओं में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन मस्जिद के जिम्मेदार अलीम खान ने किया। अंत में सभी का आभार मस्जिद की रजिस्टर्ड कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।